कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हरसिमरन सिंह फ्रॉम अकाल राइडर। तो जैसे आपने देख ही लिया होगा नीचे जो कैप्शन लिखा हुआ है कि आज मैं आपको वॉक थ्रू दिखाऊंगा अपने हिमालयन का, उसमें क्या क्या एक्सेसरीज लगी हैं वो मैं उसकी सारी डिटेलिंग दूंगा, प्राइसिंग बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए हम शुरू करते हैं। समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें, तो ऐसे करते हैं, शुरू करते हैं ये पैनियर बॉक्सेस से। ये अगर आप लॉन्ग राइडिंग पे जाते हैं तो आपको पैनियर बॉक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैंने ये दो पैनियर बॉक्स लगवाए हैं और इसके साथ ये देखो ये सैडल स्टे है। कैमरा मैन को बोलोगे थोड़ा पास आए। ये देखिए ये साथ में सैडल स्टे है, ये सारी इसकी फिटिंग है। ये सैडल स्टे, इसके ऊपर पैनियर फिक्स हैं और पैनियर फिक्स करने इतने ईजी हैं, आप हार्डली एक मिनट में दोनों पैनियर सेट कर सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये लॉक है, ये लॉक कैसे लिफ्ट करेंगे ऊपर, ये इसको लॉक लगा हुआ अनलॉक किया और इसको लिफ्ट करेंगे नीचे, ये खुल गया इजी। अब इसकी पहले स्पेस देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। आपके कम से कम मेरे ख्याल से मेरे तो आई थिंक 1 वीक के कपड़े इसमें आ जाएंगे दोनों में, और साथ में जो यूटिलिटीज चाहिए वो भी आ जाएंगी। अच्छा, इसको अब हमने निकालना कैसे है। सबसे पहले इसको हम लूज़ करेंगे, थोड़ा लूज़ किया, उसके बाद ये पीछे वाला नट है इसको लूज़ किया। इसको लूज़ करेंगे आप पीछे देखेंगे, ये जो है ये एक पत्ती है, इसको ये नीचे ऐसे चले जाएगी। दूसरा भी हमने ऐसे ही करना है, ये नीचे गई और ये बाहर आ गया। अच्छा, ये इतना ईजी है रिमूव करना और इससे भी ज़्यादा इजी है इसको इंस्टॉल करना। अब आइए ये देखिए ये जो नीचे लॉक बने हैं, ये लॉक हम इसके अंदर डालेंगे, पुश किया, दैट्स इट। और इसको हमने सेंटर में लेके आना है, ये ध्यान रखना इसको सेंटर में होना चाहिए, ये दो ग्रूव्स हैं ये ग्रूव के बीच में होना चाहिए। बस इसको अंदर से टाइट कर दो, ये अंदर से हमने टाइट अच्छे से कर देना कि कोई जर्क वगैरह लगने से पैनियर खुले ना, नीचे ना गिरे। ये दोनों नट हमने टाइट कर दिए, अब इसको टाइट कर देंगे, अब ये कहीं नहीं जाएगा। बंद करो, लॉक करो और भूल जाओ। अब इसके बाद जो मुझे सबसे ज़रूरी चीज़ लगती है, अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, जैसे लद्दाख जा रहे हो जहाँ पे एक स्ट्रेच आता है जहाँ पे हमें 365 किलोमीटर का कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता, तो उसके लिए मैंने जेरिकैन इंस्टॉल की है। इसको निकालना कैसे है ये देखिए, इसकी फिटिंग ज़बरदस्त। ये हमने इसको ऐसे घुमाया, ये कैन बार, दिस इज इट। ये जो है ये फिटिंग ये कैन के साथ आती है, ये कैन और ये फिटिंग दोनों साथ में लगेंगी, अकेले कुछ भी नहीं लगेगा। अच्छा, अब इस कैन के फंक्शन देखिए, ये पीछे है इसकी हवा निकालने के लिए, कि अंदर गैस इकट्ठी हो जाती है, हवा इकट्ठी होती है तो ढक्कन खुलता नहीं है। जब भी हमने काफ़ी समय से पेट्रोल भरवा के रखा हुआ है, हमने इसको खोलना है, तो पहले हम इसको पीछे से लूज़ करेंगे ताकि इसकी हवा गैस निकल जाए, ठीक है। और अब इसको खोलेंगे। अच्छा, ये ऐसे फिट था, ठीक है, हमने इसको खोला, ये निकला, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो ये पाइप है, ये पाइप का फंक्शन क्या है, ये आपका पेट्रोल भरने में टैंक में बहुत ही इजी कर देगी। इसको ऐसे हमने फिट कर देना, ये देखिए ये इसके अंदर गया, ये फिट हो गया। अब हम इसको टाइट कर देंगे यहाँ पे, अब ये अगर हम इसको टैंक में डालेंगे तो इतना इजी है, आपका पेट्रोल जो है बाहर स्पिल नहीं होगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं करेगा, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी। इसको हमने ऐसे फिट किया, टैंक खोला, इसको डाल दिया, बिल्कुल नो वेस्टेज। इसका प्राइस जो है इसका प्राइस है 1500 पर कैन, एक कैन 1500 प्लस 500 फिटिंग, तो ऑल इन ऑल ये दोनों कैन आपको पड़ जाते हैं 4000 में आपको दोनों कैन मिल जाएंगे। ऑनलाइन आपको ये बहुत कॉस्टली भी मिलेंगे, कोई 7000 में 8000 में भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं दिल्ली से लेके आया था
तो वहाँ से आप थोड़ा घूम के देख लेना, मिल जाएगा। तो अब हम इसको फिट कर देंगे यहाँ पे वापस, ये फिट हो गया। अच्छा, अब अगली जो एक्सेसरी है वो है ये नकल गार्ड। बाकी अब छोटी मोटी एक्सेसरी है जो कि चलो मेरे लिए थोड़ी यूज़फुल भी है और अच्छी भी लगती है। ये नकल गार्ड देखिए, ये रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल नकल गार्ड हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि जैसे हम बाइक चला रहे हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह, तो वो यहाँ पे लगेगा, हमारे हाथ पे नहीं लगेगा। हालांकि हमने ग्लव्स पहने होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सेफ्टी रहती है। अगर बाइक गिर भी जाए तो पहले इसके ऊपर फोर्स आएगा, बाद में हमारे हाथ के ऊपर आएगा। तो इसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 2200 के करीब थी, और पैनिस के प्राइस जो थे वो थे 25,000 विद सैडल्स थे। नकल गार्ड्स के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये लाइट, ये सारा लाइट सेट जो आगे पड़ा हुआ है, प्रोजेक्टर लाइट। इसकी लाइटिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, क्योंकि जो इसकी स्टॉक लाइट है हिमालयन की वो इतनी अच्छी वर्क नहीं करती रात को, तो उसकी लाइट बहुत कम है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्रोजेक्टर लाइट लगवाएं। अगर ये नहीं लगवा रहे तो आप ये ऑक्स लाइट ज़रूर लगवाएं साथ में, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। जब आप हिली एरिया में जा रहे हो तो बहुत डार्क वहाँ पे होता है, लाइटिंग इतनी होती नहीं है पहाड़ों में, तो आपको ये बहुत ही हेल्प देंगी। तो ये जो सारा सेटअप है ये मुझे करीबन कोई 5,000 का पड़ा था। तो ये जो है ये लो बीम है इस टाइम ये लो बीम पे है, तो ये हाई बीम होगी, ये वाली और ये वाली लाइट दोनों जल गई ऊपर, और ये भी DRL है, ये जलती रहेंगी। और तो ये लाइटिंग है इसकी, बहुत अच्छी लाइटिंग है। ये मैंने मोबाइल चार्जर लगवाया, एक मोबाइल चार्जर आता है जो ऐसे करके क्रॉस बना होता है, जो ऐसे पुश करके तो उसके अंदर मोबाइल लगा देते हैं, वो भी मोबाइल चार्जर मैंने लगवाया था पहले, लेकिन वो था उसके साथ बटन प्रेस हो जाते थे और वो जो उसकी रॉड होती है साथ में वो टेढ़ी हो जाती है, तो मुझे उसका इतना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, इसकी प्राइसिंग आई थिंक कोई 600-700 के बीच में है। तो अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा है ये। मैंने पहले अपने क्लासिक 350 पे लगाया हुआ था, तो 2 साल हो गए मुझे, लेकिन कोई इसमें अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें लगाया है सिमटेक का हैज़र्ड फ्लैशर, सिमटेक का, जिसके 21 डिफरेंट मोड्स हैं। ये इसका हैज़र्ड फ्लैशर का स्विच है, आप ये मोड्स, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है जो कि मोड्स चेंज करता है, ऐसे 21 मोड्स हैं इसमें डिफरेंट, तो बहुत अच्छे मोड्स हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, मैंने प्रोटेक्शन लगाई है सिलेंडर के लिए, ब्रेक सिलेंडर है उसकी प्रोटेक्शन है। ये भी बहुत ही एक ज़रूरी आइटम है लगाने के लिए, क्योंकि अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो आप बाय चांस गिर सकते हैं या कोई पत्थर लग जाए, तो ये यहाँ पे जो ब्रेक सिलेंडर है ये सेफ रहेगा। अगर ये ब्रेक सिलेंडर को कुछ हो गया तो आपकी ब्रेक फेल हो सकती है, जो कि मैं एडवाइस करूँगा कि आप ये ज़रूर लगा के रखें। इसकी भी कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, ये कोई अराउंड 700-800 के पास में है। ये मैंने अपना हैंडल बार चेंज करवाया था, रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल हैंडल बार है, और साथ में ये स्टे है, हैंडल बार की स्टे है, ये भी रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल है। ये मैंने यहाँ पे फुटरेस्ट लगाए हैं, ये देखिए, ये मैंने खुद लगवाए हैं फुटरेस्ट। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बोल्ट वेल्डिंग किया है, उसके अंदर ये फुटरेस्ट डाल के, आप चाहे तो ऐसा फुटरेस्ट लगा सकते हैं, आप चाहे तो ये जो ओरिजिनल फुटरेस्ट है ये भी यहाँ पे लग सकता है। तो अवेलेबल नहीं था फुटरेस्ट ये वाला, तो फिर मैंने ये वाला फुटरेस्ट लगा लिया। तो इससे क्या, इसका क्या फ़ायदा है, आप ऐसे करके बैठे आराम से क्रूजिंग करें, और जो क्रूजिंग का मज़ा इसके ऊपर रख के, पैर रख के मज़ा है ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने एक बॉटल होल्डर लगाया, ये देखिए, ये बॉटल होल्डर है जो कि मैंने डिकैथलॉन से लिया था, और ये पीछे जो क्लैंप लगा हुआ है जिसके साथ से लगा हुआ है, ये भी मैंने डिकैथलॉन से बाय किया था।
तो ये 300 का क्लैंप है और ये 300 का बॉटल होल्डर है, बॉटल केज बोल सकते हैं इसको। तो 600 का ऑल इन ऑन पड़ा था ये, यहाँ पे हम बॉटल फिक्स कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे बैठ के आप पानी निकाल सकते हैं। वैसे तो डिहाइड्रेशन बैग भी हम डाल सकते हैं लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे होता है कि जहाँ पानी ख़त्म हुआ हमने झरने से पानी भरा और पी लिया, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पहाड़ों का पानी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी की बॉटल हमेशा रखता हूँ अपने साथ। और उसके बाद ये बैग छोटा सा, ये भी मैंने डिकैथलॉन से लिया था, बीटविन का बैग है। इसके अंदर देखिए मैंने छोटा मोटा सामान रखा है, जैसे कि डस्टिंग क्लॉथ हो गया, ये सनग्लासेस का कवर हो गया, ये छोटा मोटा सामान रखा है। बहुत ज़्यादा हैवी सामान हम नहीं रख सकते इसमें। ये मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि पैनियर्स तो मैं हर टाइम लगा के रखता नहीं हूँ, तो पैनियर्स मैं निकाल देता हूँ और ये पैनियर्स की जगह यहाँ पे लग जाता है, बैग जो है यहाँ पे मैं फ़िट कर देता हूँ जहाँ पे पैनियर्स है, तो वो बड़ा अच्छा सा अंदर फिट हो जाता है, तो ज़्यादा दिखता नहीं है। तो गाइस पैनियर्स उतार के कुछ ऐसा बैग फिट हो जाता है, देखिए बस ऐसे ही रहेगा ये। तो ये बैक रेस्ट, तो इसे सीसी बार भी कहते हैं। तो ये बैक रेस्ट मैंने खुद डिज़ाइन करवाई थी उस, तो ये जो है ये स्टील की बैक रेस्ट है और ये सीट मैंने इसके ऊपर लगवाई है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। जो पिलियन राइडर होगा उसको बिल्कुल भी झटका नहीं लगेगा पीछे को, तो ये भी बहुत मस्त है। ये मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी 1500, तो बहुत अच्छी है ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं लगवाने के लिए। एक बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और सुंदर मैंने जुगाड़ किया, जुगाड़ कह सकते हैं, हैक बोल सकते हैं, कुछ भी बोलें, वो ये कि मैंने ये देखिए मैंने ग्रिप्स लगाई हैं, यहाँ पे हैंडल बार ग्रिप्स होती हैं। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, वो देख सकते हैं। ये जो है ये बहुत ही अच्छी ग्रिप है इसकी, सॉफ्ट है। ये मैंने डिकैथलॉन से बाय किया था, ऊपर वीडियो देखें उसमें आपको इसका पता लग जाएगा ये कैसे मैंने लगाया, इसकी क्या कॉस्टिंग है। बहुत अच्छा है ये, घिसता भी नहीं है इतनी जल्दी। आप लेदर के लगा लोगे वो थोड़ी देर बाद घिस जाते हैं लेकिन ये नहीं घिसते। तो बाकी की वीडियो आप देख सकते हैं ऊपर। और एक एक्सेसरी आ गई, वो नेविगेशन बार है, वो मैं यहाँ पर लगवाऊँगा, वो अभी 2-3 दिन में लग जाएगा, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है और वो यहाँ पे लग जाएगा। उसके ऊपर मैं मोबाइल का पाउच लगाऊंगा जो कि वाटरप्रूफ होता है। जो मुझे लगता है कि ये मेरी बाइक अभी फुली लोडेड है, मुझे और कुछ भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बस रेडी टू गो। आप अभी चाहे इसको एज इट इज़ इसको लद्दाख ले कर चले जाओ, सामान इसमें फेंको और चले जाओ इससे। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कर दो, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट मुझे पता लगेगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी रहेगी, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना ज़रूर। और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है अकाल राइडर के नाम से, वो भी आप फॉलो कीजिए। और मेरी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी राइड रिलेटेड और बाइक के रिलेटेड, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइड सेफ।